हम आज कई राहत शिविर में भी गए और हम जिला प्रशासन को बधाई देते हैं कि जिला प्रशासन ने बहुत बेहतर इंतजाम किया। राहत शिविर में जितने लोग थे और किचन जो चल रहा है कम्युनिटी किचन, उसमें रहने वाले जितने लोग थे उन लोगों ने खाने की वहाँ के व्यवस्था की काफ़ी तारीफ की। इसलिए जिला प्रशासन को हम बधाई देते हैं कि इस प्राकृतिक आपदा के समय में इन लोगों ने बेहतर इंतजाम किया है और लोग सुकून महसूस कर रहे हैं। इसके अलावा जिला प्रशासन और कुछ कर नहीं सकता है, तो प्राकृतिक आपदा है, पानी आ गया तो हो गया। अब बाढ़ का पानी निकलने के बाद की जो तैयारी है, उस तैयारी में मेडिकल टीम के बारे में या जो फसल का मुआवजा के संबंध में, वो सारा डीएम साहब करेंगे, उसका सर्वे करेंगे और पूरी पारदर्शिता के साथ उसको करेंगे। और जिनका भी फसल बर्बाद हुआ है, वास्तव में जिनका फसल बर्बाद हुआ है, वास्तव में जिनका घर गिरा है, जो गरीब है, उसके हकदार हैं सरकारी नियम के मुताबिक, उनको घर का भी मुआवजा और जो फसल का मुआवजा है वो मिलेगा। मेडिकल टीम के बारे में डीएम साहब ने बताया कि तैयारी हो गई है। पशु के चारा के संबंध में उन्होंने कहा कि पर्याप्त हमारे पास पशु चारा उपलब्ध है। उसके अलावा जो मोबाइल रैकिंग जो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट ने दिया है, उसकी भी उसका भी परिचालन हो रहा है। जो दरवाजे पर जाके पशु बीमार होने पर उसका की चिकित्सा करेंगे, तो ये सारी व्यवस्था हो रही है। तो इसलिए जिला प्रशासन पूरी मुस्तैदी से काम कर निर्देश प्राप्त हुआ है बाढ़ राहत क्षेत्र में बाढ़ का पानी चूंकि अब कम हो रहा है, तो बाढ़ के पश्चात जो चुनौतियाँ आती हैं उस पर ध्यान देना है। विशेष रूप से जल जमाव से जनित जो बीमारियाँ होती हैं उस पर ध्यान देना है और साथ ही साथ पशुओं का जो चारा है, पशुओं की चिकित्सा है, उसके ऊपर ध्यान देना है। तो हम लोगों ने जिला प्रशासन ने उसमें तैयारी की है और संबंधित विभाग से और संबंधित जो भी टीम है जिला में उसके साथ कोऑर्डिनेशन बनाकर इन दोनों बिंदुओं पर तत्परता से काम सभी इससे समय चालू है। कुछ एक ट्रांसफार्मर जो पानी में डूब गए थे या पानी उनको वो समीप पहुंच गया था, उसको भी चार्ज किया जा रहा है।